ये जो आप सीन देख रहे हो गाइस, सभी के सभी अमरनाथ यात्री हैं, जो कि यात्री निवास भगवती नगर जम्मू में ठहरे हुए हैं। क्राउड आप देख सकते हो कितने ज़्यादा है। तो चलिए, आपको कुछ ज़रूरी सूचना हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो कि किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो रजिस्ट्रेशन डेट है आपकी, उसके एक दिन पहले आपको यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। इसके बाद गाइस, आपको RFID कार्ड, सिम कार्ड, बस टिकट, हॉल बुकिंग, हॉल में पर हेड 50 रुपीज़ लगता है, उसको भी हम आपको अभी आगे दिखाएंगे। गद्दे, लॉकर रूम, मतलब अपना कीमती सामान आपको कहाँ रखना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। फिलहाल देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है। देख सकते हैं, अगर बारिश हो जाएगी तो यहाँ पर माहौल थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए आपके जिस भी दिन की रजिस्ट्रेशन है अमरनाथ यात्रा की, उसके एक दिन पहले आए। तो आपको यहाँ पर ये जो सामने आप क्राउड देख रहे हो, यहाँ से सबसे पहले आपको बस की टिकट करानी है। बस की टिकट इसलिए करानी है क्योंकि आपको यात्रा उसी से करनी है। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए फिलहाल आप चलते हैं और आगे, और आपको दिखाते हैं सामने आपको वॉशरूम मिल जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी कुछ घंटों पहले यहाँ पर एकदम पूरा खाली था। देख सकते हैं, ये है सामने आपकी वॉशरूम, हर जगह बनी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यात्री निवास में। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये पहलगाम वाली लाइन है, और ये बाल, ये जो खाली आपको दिख रहा है, ये बालटाल की लाइन है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये लाइनें हैं, और यहीं से आपको बस की टिकट लेना है। तो चलिए फिलहाल बस की टिकट हम ले लेते हैं, और इसके बाद जो है, ये देखिए, यहाँ पर बालटाल के रास्ते में कोई भी ज़्यादा भीड़ नहीं, क्योंकि बालटाल यात्री कम मिलते हैं, और इधर साइड जो है पहलगाम वाली लाइन में ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि पहलगाम की तरफ से ज़्यादा यात्रा करना पसंद करते हैं। उधर का सुंदर दृश्य देखने के लिए लोग बाग जाते हैं, और टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एयरटेल या जियो की सिम ले लेना है। मैं सजेस्ट करूँगा कि जियो का सिम लें आप, तो जियो का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर आप जियो की सिम ले लें, तो यहाँ पर जियो की सिम ले लें, और आप चलते हैं आपको आगे, आगे की जानकारी आपको दिखाते हैं। तो चलिए फिलहाल चलते, देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। ये सब था जो है 4 बजे सुबह निकलेगा यहाँ से, 4-4:30 बजे के आसपास, लेकिन आपको 2 बजे सुबह सुबह उठ जाना है और अपनी बस को खोज कर रखना है कहाँ पर है। ये जो गद्दे आप देख रहे हैं, गद्दे का चार्ज 20 रुपये है, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा कहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर कुछ भंडारा लगा हुआ है, लेकिन ये चार्जेबल है, और फ्री वाला भंडारा भी आगे लगा हुआ है, वहाँ पर आप पता कर लेंगे। तो ये देखिए, जिस हॉल की मैं बात कर रहा था, ये जो है ये हॉल है, यहाँ पर 50 रुपये पर हेड चार्ज लगता है, इसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी, और AC हॉल है। तो जितना जल्दी जाएंगे, अगर आप 3 बजे से पहले यहाँ पर यात्री निवास से पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपको टिकट मिल जाएगी, अगर 3 बजे के बाद आप पहुँचते हैं तो फिर नहीं मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं गैलरी में भी लोग बाग गद्दे बिछा कर लेटे हुए हैं, क्योंकि 6 घंटे आपको यहाँ पर समय बिता रही हैं। इसके बाद 3 बजे से आपको अपनी यात्रा के लिए तैयारी करना है, क्योंकि बस भी खोजना पड़ेगा, और इसके बाद जो है बस में बैठना, तो कुल मिला के टाइम हो जाएगा, और फिर सुबह सुबह गाड़ियाँ बस निकलना शुरू हो जाएगी, बस, कार, टैक्सी, सारी की सारी चीज़ें। अब हम आपको दिखाने वाले हैं लॉकर। अगर आप ज़्यादा सामान ला लिए हैं, और या फिर आपका कुछ कीमती सामान है, तो यहाँ पर आप लॉकर में रख सकते हैं, और लॉकर चार्ज शायद 10 रुपये है या फिर 20 रुपये है, तो यहाँ पर आप अपना कीमती सामान रख सकते हैं यात्री निवास में। तो इसके बाद जब आप यात्रा करके आएंगे, दर्शन करके बाबा बर्फानी के, तो वहाँ यहाँ से अपना सामान रिसीव कर सकते हैं, और रसीद को दिखाकर, रिसिप्ट दिखाकर अपना सामान वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो यही थी जानकारी गाइस, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट सेक्शन पर बताना कैसे।